अजीब नौटंकी हो रखी है हाथ की, समझ ही नहीं आना यार कि क्या हो गया। फिलहाल इन्हीं सब दुख और तकलीफों के साथ हम लोग चलेंगे ऑफिस, क्योंकि ऑफिस से बड़ी तकलीफ कोई है नहीं, कोई नहीं है। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी छोटी मोटी तकलीफों से निकल के बड़ी तकलीफ। There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room. चैनल बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं एकदम रेडी हूँ, तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए। ये भी शूज़ पहन रहे हैं और इनकी वजह से देर हुई है। मैं बता दूँ, मैं एकदम रेडी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं बस निकल रही हूँ, ऐसा वाला सीन है मेरा। और ये आदमी अभी जूते पहन रहा है, देखिए भोली भाली शक्ल। अभी आप लोगों ने ये सुना कि मेरी वजह के हर्ट, मतलब मेरे से हट के इनकी वजह से देर हुई है। मेरी वजह से कभी देर हुई थी, क्योंकि आई एम ऑलवेज ऑन टाइम ब्रो, दैट्स व्हाई। तो दोस्तों आप कराते हैं टूर अपने कमरे का, ये देखिए दोस्तों, देखा दोस्तों, एक मिनी टूर हो गया मेरे कमरे का, मुझे चक्कर भी आ गया हल्का सा। तो फिलहाल घर में काम बहुत फैला हुआ, मुझे हो रही उलझन, क्योंकि ना मैं कपड़े धो पा रही हूँ, ना मैं ब्रेथ कर पा रही हूँ, ना मैं नहा पा रही हूँ सही से। इसलिए अब लग रहा है कि बस जल्दी ख़त्म हो और घर सुनते पास, मुझे ऐसे लग रहा है। और मैं अपने हाथ से नफरत होती चली जा रही है, सही हो जाता है, लगता है चलो ठीक हो गया, सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद दर्द होने लगता है, अजीब नौटंकी हो रखी है हाथ की, समझ ही नहीं आ रहा यार कि क्या हो गया। फिलहाल इन्हीं सब दुख और तकलीफों के साथ हम लोग चलेंगे ऑफिस, क्योंकि ऑफिस से बड़ी तकलीफ कोई है नहीं, कोई नहीं है। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी छोटी मोटी तकलीफों से निकल के बड़ी तकलीफ में, और छोटी मोटी तकलीफों को भूल जाएंगे वहां जाके। तो चलिए फिर चलते हैं ऑफिस की तकलीफ एक ही दिन के लिए खत्म होती है, मंडे वो दिन होता है, नहीं मंडे नहीं, वो दिन होता है सैलरी डे, जिस दिन सैलरी मिलती है उस दिन ऑफिस की तकलीफ। थोड़े जख्मों को मरहम लगते हैं, फिर जख्म कुरेद कुरेद दिए जाते हैं, और फिर जो है स्टार्टिंग होती है, नए दर्दों की स्टार्टिंग, नए सिरे से। तो चलिए फिर चलते हैं, अभी तो है कोई नया, मतलब आजकल नया ही चल रहा सब सिस्टम। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे अभी हो सकता है शायद छुट्टी ना मिले मंडे मंडे, क्योंकि दिवाली आ रही है, मुझे पूरा वीक काम करना है, करना पड़ेगा। मेरे को तो नहीं करना, मुझे तो करना ही है यार। तो चलिए फिर इसी दुख के साथ चलते हैं ऑफिस और मिलते हैं आपको ऑफिस में, चाचा बाय बाय कर दो बाय। तो जी मैं आज के उधर बज रहे हैं रात के इस वक्त 11:30, तो मैं बस अभी भी बर्तन धो के आई हूँ, ये दुपट्टा जो है गीला देख रहे हैं, दैट्स वाई। अब ये मैं सोचे सर का दुपट्टा तो गीला कैसे हुआ, मैं सर से नहीं ओढ़ी थी, मैं बस गले में दुपट्टा डाली हुई थी, और ये मतलब पेट किस तरफ था तो सिंक के पास धोते धोते ये गीला हो गया, इसलिए ये गीला है। तो फिलहाल अभी मैं आज की ऑफिस से वापस हम लोग घर, और मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, मेरा पेट बहुत भरा भरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खींच के पानी पी लिया घर आके आजकल। और मैं बता दूं कि मेरे ऑफिस के लिए अमन का बर्थडे था, तो उसने हम सबको पार्टी दिया था, तो हम लोगों ने चाट खाई, एक पत्ता और कोल्ड ड्रिंक पिया, तो उससे ही मेरा पेट भर गया, इसीलिए मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन कर नहीं रहा है। और मतलब लिटरली 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है, और मतलब 2-3 दिन से क्या, 2 हफ्ते से जब से घर में काम ना करें, जब से मजदूर सुबह के भाड़ भुड़ ये वो ए मसाला दे दो, ईटे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इन सब चक्करों से मेरी और नींद पूरी नहीं हो पा रही। भैया मैं शोर शराब में बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ, मुझे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, तब मुझे बढ़िया बेहतरीन नींद आती है, अदरवाइज़ कोई अगर भाड़ भुड़ चिल्ला चिल्ली कर रहा है तो मुझे नींद नहीं आती है। लेकिन ये मेरे जो हस्बैंड हैं उनको तो बम बारूद में भी सुला था तो वो सो लेंगे, लेकिन हमसे नहीं सोया जाता। और अभी फ़िलहाल जनाब खा रहे हैं खाना, मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं तो खाऊंगी नहीं, नहीं खाने का। हाँ तो चाट खा लेंगे, जाहिर सी बात है चाट खाइए, पेट भर गया, पानी पी लिया तो अब कहाँ ही। और मतलब 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आलस सा आ रहा है मुझे यार, पता नहीं क्यों आ रहा है, बस मुझे लग रहा है मेरी बॉडी थकी थकी सी है, मैं बस लेटूँ, मुझे बस ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। और मुझे कल एग्जीबिशन में भी जाना है, मैं बता दूँ मतलब मेरा जो शोरूम है ज्वेलरी शोरूम, वहाँ की एग्जीबिशन लग रही है एक जगह पे, मैं बता नहीं सकती कहाँ पे, बट वहाँ लग रही है मुझे जाना है, वहाँ पे भी 2 दिन लगातार वहीं, अब पता नहीं कैसे क्या होगा यार, मैं कैसे मैनेज करूँगी, बट आई हैव टू मैनेज, सो पावरफुल रहना है, और पता नहीं कैसे रहूँगी यार नहीं मालूम। और ये 9 दिन मुझे लगता है मेरी नाक छोटी लग रही क्या, पर कोई नहीं, मुझे अच्छी लग रही है, मैं पहने हुआ हूँ और मैं पहने रहूँगी।
तो फिर चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब इसके बाद मैं सीधा सोऊंगी, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मेरी आँखें खुल नहीं रही हैं और आज ब्लॉग नहीं बन पाया ज़्यादा ऑफिस में भी, क्योंकि काफ़ी कस्टमर्स भरे हुए थे आज ऑफिस में भी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे फ़ोन चलाने का भी, बहुत ज़्यादा क्या मिला ही नहीं मुझे फ़ोन चलाने का भी टाइम, बस मैंने फटाफट से 5 मिनट में खाना खाया है, वापस से कस्टमर डील करा है मैंने आज, बहुत ज़्यादा कस्टमर थे बहुत ज़्यादा, मैं मतलब ठीक है अब दिवाली आ रही है, दौसा तो दिखेगा ही थोड़ा थोड़ा शुरू से। तो फिलहाल मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, थके हुए ब्लॉग को, कि मैं खुद ही थकी हुई हूँ इसलिए। तो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ खुशनूर्स व्लॉग। व्लॉग देखते मेरे दोस्तों, वैसे तो मैंने व्लॉग शूट करना बंद कर दिया था, पर इस अंधेरे के बीच में जो आपको ये चंदा मामा नज़र आ रहे हैं, मैं बता दूँ हम लोग कोई छत पर नहीं लेटे, मैं लेटी हूँ अपने रूम में और ये बल्ब है मेरे कमरे का, इसको पता ही नहीं क्या हो गया, ये इतनी रोशनी दे रहा है, ये ऑफ है, ये लिटरली ऑफ है। अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं, अगर मेरी उंगली, ये रही मेरी उंगली, ये तो ये ऑफ है, पर पता नहीं आया, आई डोंट नो, आप लोग कमेंट में बताओ मुझे कि शायद घर में प्लास्टर हुआ है, नमी की वजह से ऐसा हो गया कि तो लाइट आने लगी इसमें, या क्या है नहीं मालूम, घर के सारे बल्ब ऐसे ही हो गए, इतनी रोशनी दे रहे हैं, अब मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हो रहा है, पर थोड़ा सा मतलब डर वाली चीज़ तो है ही, ये जाहिर सी बात है, पर ठीक है देखते हैं क्या है। तो प्लीज़ कमेंट बताइए और मिलते हैं अब सीधा कल. Two sneaking looks up and down from across the room.